हम NCERT क्लास 10 में राजनीतिक विज्ञान का सेकंड अध्याय करते हैं संवाद। बच्चों आज हम संवाद को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने जो है लेसन फर्स्ट में देखा था सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी में आप लोगों ने देखा कि सत्ता की साझेदारी के उस लेसन में जो है चार प्रकार की सरकारें बताई गई। कौन कौन सी? संघीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार, गठबंधन सरकार और सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार इस प्रकार की जो है वो चार सरकारें बताई गई हैं और उनके बारे में जो है आपने पिछले लेसन में जो है अच्छे से समझने की कोशिश की। बच्चों आज हम सेकंड अध्याय में जो है संघीय शासन प्रणाली संघवाद की हम यहाँ पे जिक्र करते हैं और उसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। बात आती है कि संघवाद सरकार होती क्या है। बच्चों ये जो संघवाद सरकार होती है ये एक विशाल देश के लिए ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। जो देश जो है वो बड़ा देश होता है उसके लिए जो है वो उपयोग में लाई जाती है। वो उसमें क्या होता है, उसमें दो, जैसे कि आपका विशाल देश भारत है यहाँ पे संघवाद सरकार या फिर संघीय शासन प्रणाली हम कह सकते हैं, समझ रहे हैं। पर उस संघीय शासन प्रणाली में भी दो तरीके की सरकारें होती हैं, जो पहली होती है कमिंग टूगेदर और दूसरी होती है होल्डिंग टूगेदर। उसमें क्या रहेगा, कमिंग टूगेदर में सरकारें जो होती हैं जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। कमिंग टूगेदर में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग रहेगी, समझ रहे हैं। और जो होल्डिंग जैसे कि आपके अमेरिका में है, रूस में, फ्रांस में है, ये जो है वहाँ पर या फिर स्विट्जरलैंड में है, वो कमिंग टूगेदर है। और अगर आप होल्डिंग टूगेदर की बात करते हैं तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके भारत में है। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलकर कार्य करते हैं। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वतंत्र नहीं है, समझ रहे हैं। वो उसके उसके साथ जो है वो मिलजुल कर काम करेंगे। अगर राष्ट्र के किसी भी मुद्दे पर कार्य करना है तो वहाँ पर जो है वो सेंट्रल, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कार्य किया जाएगा। वो हम आगे सूचियों में पढ़ेंगे कि कौन सी सरकारें जो है क्या कार्य करती है और कौन सी सरकारें जो है वो क्या कार्य करती हैं, वो सारी चीज़ें जो हम आगे हम निरंतर पढ़ते चलेंगे, उस चीज़ों को समझ पा रहे हैं। फिर बात आती है कि ये जो संघवाद होता है इसकी विशेषताएँ क्या रहेंगी। संघवाद में जो है आपस में दोनों सरकारें एक दूसरे के साथ चलती हैं पर स्वतंत्र रूप से। जो राज्य सरकार होगी वो अपना कार्य करेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या फिर केंद्रीय सरकार होगी वो अपना काम करेगी। उनकी जो है वो जो कार्य जो होते हैं वो दोनों के अलग अलग होते हैं, वो स्वतंत्र होती हैं एक दूसरे से। और उनका जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनकी जो न्यायपालिका है वो भी अलग होंगे। ये जो है इसकी विशेषता में ही आता है। फिर हम बात करते हैं कि भारत संघीय देश के रूप में भारत जो है वहाँ पर संघीय शासन प्रणाली ही क्यों है, या फिर जो भारत में संघीय शासन प्रणाली है उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि भारत एक विशाल देश है। उस विशाल देश को जो है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एक सरकार होती, जैसे कि केंद्रीय सरकार, अगर वो संभालती तो वहाँ पे भारत को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। ये नहीं कि संभाल नहीं पाती पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि केंद्रीय सरकार की जितनी भी मान लो सकीमें होती है, फिर सुख सुविधाएँ होती है, जो जनहित के जो कार्य होते हैं वो आखिरी छोर तक या फिर लाइन के जो आखिरी व्यक्ति है या फिर जो गरीब से गरीब तबके के जो लोग हैं वहाँ तक वो सुविधाएँ नहीं पहुँच पाती। इसलिए भारत में संघीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। क्यों? क्योंकि जो है संघीय शासन प्रणाली में सरकारें जो है वो अलग अलग स्तरों पर
होती है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत में केंद्रीय सरकार होती है, राज्य सरकार होती है और बिल्कुल छोटे स्तर पे जो है पंचायत या नगर पालिका सरकार होती है। हम इनको जो है वो अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे केंद्र में जो है केंद्रीय सरकार होती है, केंद्रीय सरकार का जो मुखिया होता है। बच्चे यहाँ पे दो बातें हैं अलग अलग से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि केंद्रीय सरकार का जो मुखिया होता है ना वो प्रधानमंत्री है। अपने भारत में केंद्रीय सरकार का जो प्रधानमंत्री है, जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री है और केंद्र का जो मुखिया है मतलब देश का जो मुखिया है वो राष्ट्रपति है। समझने की कोशिश करेंगे बच्चे, दो अलग अलग चीजें मैं फिर से बताता हूँ आपको। केंद्र सरकार का जो मुखिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रमुख है, ये मुखिया है या प्रधान है, वो प्रधानमंत्री है और केंद्र का मतलब देश का जो मुखिया है वो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति रहेंगे। समझ रहे हो बच्चों जी? और केंद्र में जैसे उसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार से राज्य सरकार में उसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। केंद्र में जो है वो सुप्रीम कोर्ट होता है और राज्य में है वो हाई कोर्ट होता है। समझा रहे हैं? ये सारी चीजें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि केंद्रीय सरकार क्या होती है और राज्य सरकार क्या होती है। समझ पा रहे बच्चों? अब बात आती है जो निचले स्तर की जो सरकारें होती है, पंचायती राज व्यवस्था जिसको हम कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में गांव के लिए जो पंचायती राज व्यवस्था में आप रूरल में देखेंगे और अर्बन में देखेंगे। जो रूरल है यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? रूरल में आपको नगर ग्राम पंचायत मिलेगी, पंचायत, और यहाँ पे नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। ये इस प्रकार की जो है वो सरकारें मिलेंगी आपको। ये जो पंचायत जो होती है वो एक गांव की पंचायत होती है जिसका जो मुखिया होता है वो सरपंच होता है और जो उसके सहायक होते हैं वो पंच रहेंगे। अब ये एक विलेज है। अब इसी प्रकार से काफी विलेज है, दो तीन चार पांच विलेज होते हैं, उनको मिलाकर जो बनाया जाता है उसको हम ब्लॉक समिति ब्लॉक समिति कहते हैं। समझ पा रहे हैं? उस ब्लॉक समिति का जो चेयरमैन होता है वो अलग अलग विलेजों के जो चेयरमैन होते हैं ना, अलग अलग विलेजों के जो चेयरमैन होते हैं उनको मिलाकर ये ब्लॉक समिति बनाई जाती है। अलग अलग विलेजों के जो सरपंच होते हैं, यहाँ पे शायद मैंने चेयरमैन बोला होगा, अलग अलग विलेजों के जो सरपंच होते हैं, जो पंच होते हैं, वो सभी मिलकर क्या बनाते हैं? ब्लॉक समिति बनाते हैं। समझ पा रहे हैं? ब्लॉक समिति बनाते हैं और इस प्रकार से जो है ये ब्लॉक में होगी, कुछ विलेजों का एक समूह जो होता है उसको हम ब्लॉक समिति कहते हैं। अब इस ब्लॉक इस प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार की जो ब्लॉक समितियाँ होती हैं उन ब्लॉक समितियों को मिलाकर एक समूह बनाया जाता है जिसको हम जिला परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिला परिषद कहते हैं। अब यहाँ पे जो जिला परिषद का जो चेयरमैन होता है, जिला परिषद चेयरमैन, वो पूरे जिले का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो है वो राजनीतिक रूप से मुखिया होगा। राजनीतिक रूप से पूरे डिस्ट्रिक्ट का, पूरे जिले का जो मुखिया होगा वो जिला परिषद रहेगा। शासन के रूप से और प्रशासनिक रूप से जो है डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, प्रशासनिक रूप से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिले का मुखिया होगा। बच्चों यहाँ पे दो चीजें हैं अलग अलग रूप से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैं फिर बताता हूँ आपको, प्रशासनिक रूप से एक डिस्ट्रिक्ट का, एक जिले का जो मुखिया है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा जो कि आईएएस ऑफिसर होता है। और राजनीतिक रूप से एक जिले का मुखिया जिला परिषद का जो चेयरमैन होता है वो रहेगा। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर जो है अगर हम पद के आधार पर देखते हैं तो सबसे पहले सीनियरिटी में जो है वो डीसी आता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आता है और फिर जो है चेयरमैन, उसके बाद जो है वो चेयरमैन आता है और फिर उसके बाद क्या किया एडीसी। समझ पा रहे हैं?
जी समझ पाए। तो इस हिसाब से जो है वो प्रशासनिक और राजनीतिक मुखिया अलग अलग होते हैं, समझ रहे हो तो? जी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार होती है उनको जो है उसके कार्य को हम यहाँ पे तीन सूचियों में डिवाइड करते हैं, समझ रहे हैं? यहाँ पे जैसे बताया कि तीन सूचियाँ, ये जो कार्य होते हैं चाहे वो राज्य सरकार के हों चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों केंद्र सरकार के हों, उनके कार्य जो है वो अलग अलग तीन सूचियों में डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि संघ सूची है, संघ सूची का जो कार्य होता है संघ सूची में जितने भी कार्य करने होते हैं जितने भी निर्णय लेने होते हैं वो आपकी केंद्र सरकार लेगी, समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे रक्षा के मामले में विदेश की नीति के बारे में या फिर बैंकिंग जो है उसके बारे में या फिर संचार जो है उसके बारे में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है वो फैसले लेती है। उसी प्रकार से राज्य सूची में होता है, राज्य सूची में क्या होता है कि राज्य सरकार जो है वो कुछ मुद्दे हैं जिसमें जो है सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार की फैसले लेगी, वहाँ पर जो है केंद्रीय सरकार इंटरफेयर नहीं करती। कौन कौन से हो गए, जैसे पुलिस प्रशासन हो गया, ट्रेड व्यापार हो गया, फिर वाणिज्य हो गया, या फिर कृषि और सिंचाई के जो मुद्दे हैं वहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार स्वतंत्र है, वहाँ पर राज्य सरकार जो है केंद्रीय सरकार के अधीन कार्य नहीं करेगी, वहाँ पर राज्य सरकार स्वतंत्र है, वो अपने आप इन सभी मामलों में वो निर्णय ले सकती है, नीतियाँ बना सकती है। जी अब बात आती है समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों फैसले ले सकती है, दोनों अपनी नीतियाँ बना सकती हैं, पर क्या होता है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ पर राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार में जो है विवाद हो जाता है। उस मामले में जहाँ पर किसी भी मुद्दे पर विवाद होता है तो वहाँ पर जो है जो केंद्रीय सरकार कहेगी वही लागू करवाया जाता है, न कि राज्य सरकार का। वहाँ पर जो है केंद्रीय सरकार को पर समवर्ती सूची में जिन मुद्दों पर विवाद होता है उन मुद्दों पर जो है केंद्र सरकार को प्राथमिकता दी जाती है, समझ पा रहे हैं? या फिर केंद्रीय सरकार के फैसले को ही मान्यता दी जाती है। वो कौन कौन से मुद्दे होंगे, जैसे शिक्षा में जंगल का जो फॉरेस्ट वगैरह का होता है, या फिर विवाह शादी का है, या फिर मतलब गोद लेने का है, या फिर अपना जो उत्तराधिकारी होता है वो निर्धारित करने के जितने मामले होते हैं वो समवर्ती सूची में आते हैं। और वहाँ पर जो है अगर विवाद ना हो तो दोनों मिलकर कार्य करेंगे, अगर विवाद होता है किसी मुद्दे पर तो वहाँ पर जो है वो केंद्रीय सरकार की को ही प्राथमिकता दी जाती है। अब बात करते हैं कि संघवाद का अभ्यास करना कैसे, मतलब जैसे कि भारत जो है भारत एक संघवाद सरकार शासन प्रणाली, यहाँ पे संघीय शासन प्रणाली है, तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जो संघीय शासन प्रणाली है मतलब पूरे संघ को जो है एकजुट करके यहाँ की सरकारें रखती है उसका अभ्यास हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे संघीय शासन प्रणाली नहीं होती, बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो है भारत में 1947 के बाद में 1951-52 प्रथम आम चुनाव हुए थे, समझ रहे हैं? यहाँ पर यहाँ आजादी प्राप्त हुई थी प्रथम आम चुनाव, समझ रहे? और जिस समय ये आम चुनाव हुए ना उससे पहले ही जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था उन्होंने आजादी में जो योगदान दिया था अपना भारत की आजादी में उन्होंने एक शर्त पर एक कंडीशन पर योगदान दिया था, उन्होंने उस समय की भारत की जो कांग्रेस थी जो कांग्रेस समिति जो संगठन था उनको ये कहा था हम भारत की आजादी में योगदान करेंगे। एक शर्त पर वो शर्त क्या थी कि जैसे ही हमें आज़ादी प्राप्त हो जाती है तो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था जो आंध्र प्रदेश था उसको भाषाई आधार पर अलग कर देना होगा। उन्होंने कंडीशन रखी कि आज़ादी के बाद आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर अलग अलग करना होगा, तो उस
बात को जो है उस समय के जो कांग्रेस के जो नेता होते थे गांधी जी या फिर नेहरू जी, उन्होंने उस बात को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उन्होंने उस बात को स्वीकार कर दिया था। और जैसे ही प्रथम आम चुनाव होते हैं, प्रथम आम चुनाव में जो है चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए नेहरू जी दक्षिण भारत गए हुए थे आंध्र, और वहाँ पर जो है लोग जो है आज़ादी के तुरंत बाद ही भाषाई आधार पर जो है अलग राज्य बनाने की बातें जो कर रहे थे, उनके जो आंदोलन चल रहे थे लगातार, तो वो जो आंदोलन चल रहे थे जैसे ही नेहरू जी का दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए जाना हुआ, तो लोगों ने वहाँ पर काले झंडे दिखाकर नेहरू जी का विरोध किया और कहा कि जैसे कि आप लोगों ने स्वीकार किया कि भारत की आज़ादी के बाद हम आपका जो है भाषाई आधार पर विभाजन कर देंगे। तो उस बात का जो है विरोध ज़्यादा होने लगा और विरोध को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो है उसमें सभी नेहरू जी के आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आ गए और गांधी जी के अंग से भी आ गए, जितने भी रिफॉर्मर थे, जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी समाज सेवी थे, सभी आ गए उसमें जो कांग्रेस का सदस्य थे, सब ने जो है सहमति दे दी और भाषाई आधार पर जो है आंध्र प्रदेश को दो भागों में डिवाइड कर दिया। जो आंध्र भाषा बोलते थे उनको आंध्र प्रदेश में रख दिया और जो तमिल भाषा बोलते थे उनको तमिल में भेज दिया गया, उनको उनका अलग राज्य बना दिया गया तमिलनाडु के नाम से, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे भारत में जो है भाषाई आधार पर सबसे पहले 1956 में जो है भारत का विभाजन हुआ था कि कौन से राज्य का, आंध्र प्रदेश का। उसके बाद जो है महाराष्ट्र का, उस समय जो महाराष्ट्र था उस 1960 में विभाजन हुआ था, जिसमें से गुजरात और महाराष्ट्र को जो है दो भागों में डिवाइड कर दिया 1960 में, जिसमें से गुजरात को अलग कर दिया गया, जो गुजराती भाषा बोलते थे उनको गुजरात में डाल दिया गया और जो मराठी भाषा बोलते थे उनको महाराष्ट्र में ही रख दिया गया, समझ पा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है अलग अलग आधारों पर जो है राज्यों का विभाजन होता गया, जैसे नागालैंड का हो गया या फिर अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी अलग अलग राज्यों का विभाजन हुआ, समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से जो है आपके हरियाणा में जो है 1966 में पंजाब से अलग हुआ था, तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें भाषाई आधार। फिर हमें देखना है नेक्स्ट पॉइंट भारत में विकेंद्रीकरण। बच्चों भारत में विकेंद्रीकरण क्या होता है, फैलाव। तो हमने जैसे समझा था यहाँ पर कि भारत की जो सरकारें हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग आधार कार्य करती है, जैसे हमने पहले ही हम उनकी सारी चीज़ें बता चुके हैं। यहाँ पे हमने समझाया था कि केंद्र सरकार जो है वो मतलब पूरे देश को कवर करेगी, पूरे देश के लिए केंद्र सरकार, और राज्य सरकार पूरे देश में कौन सी, केंद्र सरकार, और फिर बात राज्य सरकार की वो जो है सिर्फ एक स्टेट में एक राज्य में रहती है, और फिर बात आती है पंचायती राज व्यवस्था, जिसको पंचायती राज व्यवस्था बोलते हैं, जो कि संवैधानिक रूप से की है और जो है कर रही है 73 और 74 संविधान संशोधन द्वारा लाई गई, समझ पा रहे हैं। और पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले जो है राजस्थान में लाई गई थी, और राजस्थान के बाद जो है वो दक्षिण भारत के राज्यों में आई थी। उस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत की जो सरकारें हैं वो विकेंद्रीकृत हैं, समझ रहे हैं, वो जो है छोटे से छोटे तबके तक जो है वहाँ तक है उसकी जो सरकारें जो है वो फैली हुई, या फिर सरकारी जो नीतियाँ हैं वो आखिरी क्षेत्र तक भी पहुँचाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भारत में जो संघवाद की शासन प्रणाली अपनाई गई है वो भारत के लिहाज से भारत भौगोलिक आधार पर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण
माने जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये वीडियो समझ आए होंगे, चैप्टर समझ आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आई है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल SGS मिलकपुर को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप लोगों को जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में हमसे डालें ताकि हम आपको जो है वो डाउट को क्लियर कर सकें। थैंक यू।